हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री में पार्ट टू। पार्ट वन ऑलरेडी हम लोग का आ चुका है, जिसमें हम लोग ने क्या देखा था, पॉलीगन या फिर बहुभुज के बारे में देखा था, है ना। और पॉलीगन और साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा था, ट्रायंगल के बारे में देखा था। किसके बारे में? ट्रायंगल के। आज की जो बात करें हम लोग सर्कल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज लेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, और प्लस कुछ पॉलीगन्स के पॉइंट रह गए थे, केवल दो मैंने पॉइंट बताया था, उसको आज हम लोग डिस्कसिंग करेंगे। और साथ में ट्रायंगल के बारे में भी हम लोग कुछ बात करेंगे, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल अच्छे से मैंने आपको बता दिया था, दो तीन पॉइंट उस पर क्वेश्चन लगाऊंगा। अदर ट्रायंगल्स भी जो होते हैं, जैसे आइसोसेलस हो गया, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे हम लोग, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहरहाल आज हमारा जो मेजर टॉपिक है वो क्या रहेगा, सर्कल रहेगा। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तब आपको वीडियो के बेनिफिट खास समझ में आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सर्कल की जो हम लोग बात करते हैं, तो सर्कल को क्या बोला जाता है, वृत्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृत्त। हिंदी वाले भाई अगर जो बोले तो क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश वाले भी जानते रहे, है ना, क्योंकि हिंदी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, तो ये बात हो गई। सर्कल क्या होता है इतना सबको पता होता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। और ये क्लास, ये जो क्लास है, पर्टिकुलर क्लास की मैं बात करूं तो ये आप चाहे 9th में, 10th में है, किसी भी क्लास में है, और प्लस अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो यूजफुल है ही। प्रिपरेशन वालों को ये सब चीज़ें पता होती हैं, और जो क्लास 9th 10th में होंगे उनको शायद ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए भी यूजफुल होने वाला है वीडियो, ठीक है। अच्छा, और जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं वो थोड़ी देर वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, मैं जस्ट थोड़ी से देर में सब कुछ बता दूंगा। और ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो सेंटर से इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका रेक्टेंगल होता है तो ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है ना, तो इसको पेरीमीटर सर्कल में नहीं होता, सर्कल में सर्कमफेरेंस होता है। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस को जो लाइन जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सर्कमफेरेंस की किसी दो पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्ड या फिर जीवा, ये क्या हो गया, रेडियस या फिर त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को ये भी जोड़ रहा है, तो बात आते हैं, सर ये भी कॉर्ड हुआ। जी हाँ, ये भी कॉर्ड हुआ, लेकिन ये कॉर्ड होगी लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, है ना, मतलब सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। और इसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है, डायामीटर। ओके, क्लियर हो गया। बस इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, इतना आपको पता होता है। अब जो मैं आपको बातें बताऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना, सॉरी, ध्यान से देखिएगा भाई। अब जो मैं बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे आता है दो टर्म, एक होता है सेक्टर, एक होता है सेगमेंट। यहाँ से सबको कन्फ्यूजन होती है। तो सेक्टर और सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका सेक्टर होता है, ये रहा सर्कल, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया सेंटर, ओके। अच्छा, और एक रेडियस यहाँ से ड्रॉ कर दो और एक रेडियस यहाँ ड्रॉ कर दो, तो ये आपका क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे, ध्यान से बोल बताना भाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। मतलब जो रेडियस और सर्कमफेरेंस के बीच का जो एरिया होता है वही क्या होता है, सेक्टर होता है। क्लियर, अब ध्यान से समझिएगा। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये भी तो एक सेक्टर है। अब बात आती है कि आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने कहा कि जो सर्कमफेरेंस और रेडियस के बीच का जो एरिया होता है वही सेक्टर होता है, तो हाँ भाई ऊपर भी है। तो ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं, इसको अगर जो देखा जाए तो इसको बोलेंगे क्या, मेजर, बड़ा है ना, ध्यान से देखिए, इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साल लगे हाथ इसके एरिया की, तो इसका जो एरिया होता है, ध्यान से समझिएगा, इस वाले का माइनर की, ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बहुत ज़्यादा लोग भूलते हैं, तो भूलिएगा नहीं आपको। देखिए, पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ सर्कल के बारे में, कि जो इसका सेक्टर होता है उसका एरिया होता है ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कुछ लोग सोच लेंगे थीटा कहाँ से आ गया सर, तो भाई मेरे ये जो दो रेडियस हैं ये दोनों मिलके जो एंगल बनाती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं,
थीटा बोलते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप सोच रहे होंगे सर माइनर का तो आप निकाल लिए, मेजर का कैसे निकालेंगे? तो भाई मेजर के लिए कुछ भी नहीं करना है ना, इस पूरे सर्कल के एरिया में से, सर्कल का एरिया क्या है अगर जो रेडियस आ रहा है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, और उसमें से इस वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दो तो मेजर का आ जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। काम खत्म। एक तो ये तरीका है, आप ऐसे निकाल सकते हैं अगर जो सर्कल का एरिया पता हो, या फिर आप क्या करिए एंगल ही बता कर, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये दे दिया 60, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा 360 पूरा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 300। ओके, तो आप क्या कर दीजिए पाई आर स्क्वायर और थीटा की जगह क्या पुट कर दीजिए 300 अपॉन में 360, निकाल लीजिए जो एरिया आ जाए वही एरिया हो जाएगा। ये तो बात हो गई भाई सेक्टर की। अब हम लोग बात करते हैं सेगमेंट की। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और इसको निकालने के मैंने दो तरीका बताया, एक तो एंगल से आप निकाल सकते हैं, दूसरा आप कैसे निकाल सकते हैं अगर सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया सेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा थोड़ा सेगमेंट के बारे में, बहुत कंफ्यूजन होता है सेक्टर और सेगमेंट का। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका सर्कल हो गया, ओके ओके, तो ये हो गया सेंटर आपका ओ मान लीजिए सिंपल, और यहाँ से एक रेडियस, यहाँ से एक रेडियस, और इस कॉर्ड को क्या करिए मिला दीजिए। अब ये जो बनेगा इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ध्यान देना भाई, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी सेम कहानी है कि कॉर्ड और सर्कमफेरेंस, वो क्या था रेडियस एंड सर्कमफेरेंस, ये क्या है कॉर्ड एंड सर्कमफेरेंस के बीच का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, क्लियर। अच्छा, तो उस हिसाब से सर ये भी तो एक सेगमेंट हुआ, क्यों, क्योंकि भाई ये भी एक कॉर्ड और सर्कमफेरेंस के बीच का एरिया, तो ये भी सेगमेंट हुआ। अब बात आता है सर ये छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। बात आ रही होगी समझ में, आई थिंक, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं सर इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो एरिया ध्यान से समझिएगा, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये डिपेंड करेगा एरिया कि ये ट्रायंगल जो है ये कैसा ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलस दे दिया तब तो उसका एरिया मैंने अभी आपको बताया नहीं हूं, और अगर जो इक्विलेटरल दे दिया, ध्यान से समझिएगा, अगर ये इक्विलेटरल दिया मतलब समबाहु त्रिभुज दिया, तो ये आर, ये आर, ये भी आर होगा, ठीक है। अब आप क्या करिए इस वाले, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, एक सेक्टर है, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, बस काम हो जाएगा, क्लियर हो गई बात ना। और अगर ये 90 बन रहा है तो आप क्या कर लगा दीजिए, इसका एरिया चाहिए होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दीजिए, मतलब किसी भी तरह कैसे करके आप निकाल सकते हैं, बस अर्थ ये चीज, ये मेरी बात को एक बार फिर से समझिएगा, आपको इसका एरिया चाहिए तो आप क्या करिए पहले इस, यहाँ मान लीजिए थीटा है, इसका एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, ये क्या है सेक्टर है, उसके एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, बस काम खत्म, इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, क्लियर हो गया ना। सेम कहानी यहाँ भी है, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लो, रटो नहीं भाई, आप फिगर जब पाओगे तो उस हिसाब से चीजों को मैनेज करना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको मेजर वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है, मेजर वाले सेगमेंट का एरिया, तो आप क्या करिए सर्कल का एरिया निकाल लीजिए और उसमें से इस माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, बस मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल अभी हम लोग इतना करते हैं, ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं इसके बारे में सर्कल के, ध्यान से समझिएगा भाई, दो तीन पॉइंट है अभी तक मैंने आपको सेक्टर और सेगमेंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हम लोग जानेंगे, देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है, कॉर्ड है। तो सर्कल के कॉर्ड पे अगर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, या फिर अगर ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये ओ हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, हालांकि ये सीरियल में नाम नहीं है, यहाँ ए नाम दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए, यहाँ सी, तो ऑलवेज ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा, मतलब ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये जरूरी नहीं है इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, तो ये वाला पार्ट इसके क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री, पहले तो ये बात हो गई, ओके। अभी मैं सारी चीजें रिवाइज करूंगा, परेशान मत होइएगा। अच्छा, ये क्या हो गया सर, एक सर सर्कल था उसमें आपने क्या ड्रॉ कर दिया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अच्छा,
अब ध्यान से समझिएगा, एक एंगल यहां बना, इसको थीटा नाम दे दीजिए, और एक एंगल यहां बना, ठीक है, इसको भी थीटा दे दीजिए। अब बात आती है सर ये एंगल इसके बराबर होगा, जी हाँ बराबर होगा। क्यों बराबर होगा कि ध्यान से समझिएगा, एंगल इन ए सेम सेगमेंट इल ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना, मतलब एक ही सेगमेंट में बना हुआ कोण जो होता है हमेशा बराबर। बात आती है सर समझ में नहीं आया सेगमेंट क्या बोल रहे हैं, तो भाई मेरे मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि ये सर्कल था, एक अगर जो कॉर्ड ड्रॉ कर दें तो ये एक सेगमेंट बन गया, ये एक सेगमेंट बन गया, तो इसी कॉर्ड का यूज करके एक एंगल हम यहाँ बना दिए कि नहीं बना दिया, और इसी कॉर्ड का देखो यूज करके एक एंगल यहाँ बना दिए, तो ये मेजर सेगमेंट होगा, ये माइनर सेगमेंट हुआ, लेकिन है तो वो सेम सेगमेंट ही, ऐसा तो है नहीं एक यहाँ है और एक यहाँ बन रहा है, ये इसके इक्वल कभी नहीं होगा, कभी नहीं। हाँ इसका इसका सम 180 होगा, वो तो अलग बात है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर या फिर चक्रीय चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल सेम क्वाड का यूज करके एक ही सेगमेंट में बन रहा है तो यहाँ बनेगा। अच्छा वही कहानी यहाँ भी लागू होती है, अगर एक एंगल यहाँ बन रहा है और इसी क्वाड का यूज करके एक ही सेम एंगल यहाँ बन जा रहा है, तो ये और ये ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। मेरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो पहली बात मैंने आपको क्या बताया, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में बताया, उसका याद मत करिए, खाली एक एरिया यहाँ पे याद करिए, क्या पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इतना खाली आप दिमाग में बैठा रहिए, बाकी चीज़ें आप निकाल लेंगे। ये बातें आप, ये एक वो बात बताया सेक्टर सेगमेंट, और एक तीसरी बात बताया आपको मैं कि एंगल इन ए सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल। एक पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा, इसको बस आप याद कर लीजिए मेरी वजह से, है ना। क्या बात मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा, ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक यहां पे एंगल बन रहा है, उसका नाम दे देते हैं थीटा, ठीक है। अच्छा अब बात आती है इसके ऊपर एंगल एक बन रहा है, ठीक है ना, मतलब सर्कमफेरेंस पे एक एंगल बन रहा है और एक क्या बन रहा है, सेंटर पे एंगल बन रहा है, क्लियर। तो ये आपको थोड़ा बहुत कुछ याद होगा, अगर जो आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत याद आता होगा कि सर इसका या आधा होता है या डबल होता है, क्लियर हो गया, अच्छी बात है, ध्यान से समझना। ये थीटा है तो ऑब्वियस ही बात है भाई, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल उसकी कंपैरिजन में कुछ ना कुछ छोटा है कि नहीं, अगर ये थीटा है तो इसके कंपैरिजन में ये कुछ ना कुछ छोटा, आप खुद देखिए ये इतना मुंह बड़ा है ऐसे खुला और ये थोड़ा सा दब गया, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू। मतलब ये है हमारा कि जो एंगल सेंटर पे बनता है उसका जस्ट हाफ कहाँ पे बनता है, सर्कमफेरेंस पे बनता है। ये सब थ्योरम है, रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा बड़े आसानी से याद हो जाएगा। अब बात आती है इसी से रिलेटेड एक चीज़ और होता है, एक चीज़ आप बहुत रटे होंगे कि सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया कि एक डायमीटर है वो दो इक्वल पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 अंश का होगा, ये आप लोगों ने रटा होगा। बात आती है क्यों, यहीं से आता है, ध्यान से समझो, ये क्या है 180 है और इसका जस्ट मैंने क्या कहा, हाफ कहा, तो हाफ मतलब क्या 90 डिग्री। इस वजह से कहा जाता है एंगल इन अ सेमी सर्कल, मतलब अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, ठीक है। अच्छा सेम कहानी यहाँ भी रिपीट हो रही है, देखिए यहाँ भी सेंटर पे 180। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप कभी भी ये एंगल मत मानिएगा, जैसे मैं कह दूं, मान लीजिए मैं आपको ये दे देता हूं, मान लीजिए मैं आपको ये दे देता हूं 340, ठीक है 340 देता हूं, और मैं आपसे ये पूछ लूं, अब ये मत करने लगना भाई कि ये सेंटर पे 340 बन रहा है और यहां इसका आधा कर दें, कभी नहीं, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो एंगल है इसके अपोजिट, कहने का मतलब ये सामने सामने से नहीं होगा, सामने सामने से कभी नहीं बनेगा एंगल, एंगल क्या होना चाहिए, अगर जो एक यहाँ है तो एक यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब अपोजिट होने चाहिए, एक अगर जो इधर मुंह करके बैठा है तो दूसरा भी इधर मुंह करके, ये नहीं कि ये इधर से तो ये इधर से, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप ये इधर वाला पता है और यहाँ से आप एंगल निकाल लें तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं, मतलब एक अगर जो इधर से पता है तो दूसरा इधर, मतलब एक दूसरे का सामने के सामना नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये 340 हो गया और पूरा 360 होता है, तो अभी इसी बात है ये 20 रहा होगा, तो अगर जो ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और वैसे भी यार इसका आधा करोगे तो समझ में आ जाएगा इतना छोटा एंगल इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया, पहली चीज़ मैंने आपको बताया
किसके बारे में? मैंने सेक्टर के बारे में, सेगमेंट के बारे में, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा क्या बताया, सेक्टर का एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बताया, एंगल इन ए सेम सेगमेंट ऑलवेज इक्वल, मतलब एक ही सेगमेंट में बना हुआ कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तीसरी बात मैंने क्या बताया कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है, मतलब एंगल इन ए सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। इतनी बातें मैंने बात आपको बताई। और दूसरा कहने बताया कि जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका जस्ट हाफ कहाँ पे बनता है, सर्कमफेरेंस पे बनता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए सर्कल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूं, तो जस्ट अ मिनट। चलिए भाई आ जाइए, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वाले भाई पढ़ लें, हिंदी वाले भाई के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मतलब जो एक कॉर्ड है किसी सर्कल की, जो जीवा है, ठीक है ना, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, फिर से बना देते हैं। देखिए ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में जो जीवा है, ठीक है ना, जीवा है इक्वल है किसके, रेडियस के, ठीक है, ओके। और क्या रहा हो रहा है, द एंगल विच इज कॉर्ड, मतलब कॉर्ड जो है वो एंगल बना रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉर्ड रही होगी, और ये क्या रहा होगा, दो रेडियस रहा होगा, ठीक है। अब क्या कहा है कि कॉर्ड इक्वल टू रेडियस, इसका मतलब दिस 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 ऑलवेज बी इक्वल, ओके, बात समझिएगा। मतलब ये जो त्रिभुज बन रहा है ये कैसा वह त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल। और बहुत अच्छे से आपको पता है कि एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण कितना होता है, 60 अंश का होता है, तीनों कोण 60 अंश का होता है कि नहीं होता है, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया 60, क्लियर, ये क्या हो गया 60 और ये क्या हो गया 60, यहां तक बात फिट है एकदम। आगे बढ़िए, द एंगल विच दिस कॉर्ड इज सबस्टेंड इन द मेजर सेगमेंट, मतलब ये जो कॉर्ड है, ध्यान से समझिएगा, ये जो सर्कल है ये क्या है, कॉर्ड है। अब पूछ रहा है कि ये जो कॉर्ड है इससे मेजर सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था ये क्या हो गया माइनर सेगमेंट और ये क्या हो गया मेजर सेगमेंट, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है ना, फिर से आ जाइए, सर्कल ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, इसमें जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, ये पूछ रहा है, मतलब ये वाला एंगल, और ये क्या हो गया सेंटर हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है सेंटर है, ओ है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि जो ये वाला एंगल होगा, भाई यही तो मेजर सेगमेंट में है, ये माइनर सेगमेंट है और ये बड़ा वाला हाँ ये माइनर सेगमेंट है और ये क्या है मेजर सेगमेंट है, तो आपसे जो ये एंगल है वो पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, अगर आपको सेंटर पे एंगल पता है तो उसका जस्ट हाफ कहाँ पे बनता है, सर्कमफेरेंस पे बनता है, बस काम खत्म। तो ये बताओ भाई, मान लीजिए एंगल है ए बी सी, तो बताओ एंगल बी ए सी क्या है, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है ना, ये एंगल है जो कि मेजर सेगमेंट में बन रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 60 अपॉन में 2, मतलब कितना 30। देख लो भाई, अगर जो आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन की, तो ये मान के चलिए कि आपको पेन भी नहीं उठाना था, आप सोचते कि अच्छा हाँ ये एक, अगर जो सब कुछ इक्वल, मतलब रेडियस जो है कॉर्ड के इक्वल है, तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एंगल जो सेंटर पे बनेगा 60, तो मेजर सेगमेंट मतलब ऊपर, तो ये कितना बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये कितना हो जाएगा 30। अच्छा यहाँ पे एक सवाल और आता है कि आपसे पूछ लिया जाए एंगल इन ए माइनर सेगमेंट, तो आप क्या करते, तो माइनर सेगमेंट मतलब ये हो जाता नहीं, नहीं हो जाता। अब इसके बारे में मैंने आपको एक चीज नहीं बताया है, या नहीं क्या बताया ही है, ऐसे देख लीजिए। अब ध्यान से समझना, कहानी थोड़ी सी उल्टी, ये 60 है तो आपको ये चाहिए, तो क्या ये 60 का आधा कर देंगे, बहुरा जाओगे, है ना, कभी नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, ये एंगल निकालेंगे, तो ये कितना है, ऑब्वियस सी बात है 60 है तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 300 होगा, ठीक है। और अगर ये 300 है उसका जस्ट हाफ कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, वो कितना होगा 150 होगा, ठीक है ना, बात आई समझ में। या फिर एक तो ये तरीका का था, दूसरा तरीका होता है, चलिए वो भी बता ही देते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, ये क्या कौन सा चतुर्भुज है या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हो, वो क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ऐसा कुछ,
ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ए बी, यहाँ एम नाम दे दूँ, ए बी एम सी, ए बी एम सी, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भाई, चारों वर्टेक्स इसके सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये 130 है तो ये ऑब्वियस सी बात का कितना रहा होगा 150। उसी तरह दिस प्लस दिस भी क्या होगा 180 होगा, मतलब 1 प्लस 2 जो होगा 180 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 क्या होगा 180। बात आ गई ना समझ में, 4 से 5 पॉइंट्स मैं आपको बता दिया सर्कल के बारे में। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ट्राई करिए एक बार, अगर करना चाहिए, अदरवाइज मैं करा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड्स, मतलब दो वृत्त की जीवाएं हैं, उनकी लंबाई क्या है, ए बी जो है वो 8 है और ए सी क्या है 6 है। तो बना लेते हैं पहले, एक सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल भी नहीं अच्छे से बन रहा है आज, है ना। चलिए ये हो गया सर्कल, सर्कल की जगह कम अंडा ज़्यादा बन गया है ना, लेकिन अब क्या किया जाए। तो ये हो गया सर्कल का सेंटर, वो मान लिया ए ओ हो गया, ठीक है ना, क्या है ओ मान लिया। अब क्या कर रहा है, ए बी 8 है और ए सी क्या है 6 है। तो ठीक है, किसी हिसाब से बना लेते हैं, मान लीजिए ये कुछ भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए बी हो गया, ओके, और ये क्या हो गया ए सी हो गया। तो ए बी कितना है 8 है और ए सी कितना है 6 है, ठीक है। और बी ए सी, बी ए सी कितना है 90 डिग्री, मतलब यहाँ ए सी है, तो बी ए सी का मतलब ऐसा कुछ है ना भाई, बी ए सी एंगल ऐसा ही तो बन पाएगा। तो बी ए सी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90, मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट क्या बनता है बताओ भाई, इसके जस्ट अपोजिट जो बनता है वो क्या बनता है, कॉर्ड बनता है, सॉरी इसके जस्ट अपोजिट जो बनता है वो हाइपोटेनियस। भाई ये हाइपोटेनियस ये तो होगा, और कैसे निकालेंगे हाइपोटेनियस, आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज निकालना है, ये और ये पता है कितना है 8 है 6 है। तो अगर जो आपको ये निकालना है कॉर्ड, तो मतलब बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 अट्ठाईस 64 और 36, मतलब कितना हो गया 100 हो गया। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये कितना हो गया भाई, सीधा सीधा 10 सेंटीमीटर, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से देखो भाई, ये 8 है ये 6 है, तो और ये क्या हो गया 10 हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, और रेडियस होता क्या है, ये कुछ ऐसे टाइप होगा, ठीक है, और हमें सेंटर की डिस्टेंस भी नहीं पता है, तो दो अननोन हो गया। इसका मतलब अगर जो आप ध्यान से समझिए, तो ये सर्कल को ध्यान से समझिए, ये ओ मानते हैं और इससे इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये ओ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ये चीज तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब ये, ध्यान से समझना, ये सर्कल है और ये आपका क्या हो गया ए बी हो गया और ये क्या हो गया ए सी हो गया, और ये सेंटर अगर जो आपका यहाँ पे है, और इसको थोड़ा सा इस तरह बनाते हैं, सेंटर अगर जो यहाँ पे ओ ओ है, मान लीजिए सेंटर थोड़ा इधर है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 10 है, तो पूरा जब 10 है तो इसका मतलब अगर ये सेंटर है तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये केस मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारी रेडियस कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप सा है, अगर जो मान लीजिए ये, और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ था, एक ऑप्शन था 6, 7 और सी ऑप्शन था 5 और डी ऑप्शन था 8, ठीक है। और गलती से अगर आपने फिगर, ध्यान से समझना, अगर फिगर पहले वाले जैसे मैंने पहले बनाया था, ये ए मान लीजिए, हाँ ये ए मान लेते हैं और इधर मान लेते हैं सी और इधर मान लेते हैं बी, ठीक है, अगर और सेंटर यहाँ मान लेते हैं, अब इसको इससे मिला दीजिए, इससे इसको, इससे इसको, अब देखिए, अब अगर जो आप सेंटर यहाँ ओ मान लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप सेंटर यहाँ ओ मान लिए, तो ये कितना आ गया, पूरा हो गया भाई 10, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, या फिर सीधा सीधा मान लेते हैं कि ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब आपसे मैं कहूँ रेडियस निकालने के लिए, तो आप क्या निकाल पाएंगे, मान लो ये आर हो गया और ये आर हो गया, ठीक है, आइए देखते हैं निकल पाएगा कि नहीं, ये आर और ये हो गया।
अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये रेडियस कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कैसे निकालेंगे। हाँ, आपके पास अगर कोई तरीका हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे रेडियस कैसे निकाला जाए। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये क्या इससे पास होगा या नहीं होगा। तो भाई पास होगा तभी 5 सेंटीमीटर आ पाएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन भी तो साथ साथ लेके चलना है। तो उस हिसाब से हम अगर जो सेंटर से इसको पास करा दें तो हमारा सीधा सीधा काम बन जा रहा है कि ये क्या हो जा रहा है, 5 सेंटीमीटर। अब बात आती है सर पास होगा या नहीं होगा, ये तो उसे क्वेश्चन में देना चाहिए था। मतलब क्वेश्चन में फिगर अगर जो दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और फिगर आई थिंक दिया भी था, मैं बनाया नहीं गलती से, फिगर वो ऐसा ही कुछ दिया था, ये वाला, एक बार मैं देख लूँ, हाँ फिगर में दिया हुआ था, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर इतना सोचने की जरूरत नहीं, फालतू में मैं सोचने लगा। मतलब ऐसी कंडीशन बन सकती है अगर जो फिगर ना दिया हो, अगर ये फिगर दिया हुआ था, फिगर ऐसा ही कुछ था, ठीक है, ये 90 दिया हुआ था और ये 5 हो गया है, 5 हो गया, तो उस हिसाब से कितना आ जाएगा जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि अगर जो फिगर ना दिया हो तो वो ऐसी कंडीशन बन सकती थी, लेकिन अगर फिगर दिया हुआ है तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आप सिंपल क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए भाई ट्राई करिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल पे है, पिछले वीडियो में मैंने पार्ट वन में आपको अच्छे से बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है सर्कम रेडियस, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। सर्कम रेडियस जो होता है उसको बोलते हैं बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, जब एक सर्किल जो है पास होगा ऑल द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन फ्रॉम दिस सर्कल रेडियस विल बी फॉर्म, दैट रेडियस विल बी कॉल्ड एज अ सर्कम रेडियस, और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वहीं दूसरी केस में अगर एक सर्कल है और उसके, नहीं ऐसा नहीं है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके अंदर एक सर्कल फॉर्म किया गया, ठीक है, तो उससे जो रेडियस मिलता है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। इसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी कब, ये जब क्या हो आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ठीक है, यहाँ भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, याद करिए, मैंने कहा ना कि मैं आपको रटाऊंगा कुछ नहीं, मैं इतनी बार रिवाइज करा दूंगा, इतनी बार चीज़ों को मैं बोल दूंगा कि आपको लास्ट तक खत्म होते होते सेशन सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने आर इज इक्वल टू क्या बताया था, ए अपॉन रूट थ्री। क्या बताया था, ए अपॉन रूट थ्री, क्लियर। यहाँ पे ए स्मॉल आर इज इक्वल टू, इसको इन रेडियस अंतः त्रिज्या बोलते हैं, और इसको सर्कम रेडियस या फिर बाह्य त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। अगर सर्कल बाहर से बन रहा है तो बाह्य त्रिज्या बनाएगा, अगर सर्कल अंदर बन रहा है तो अंतः त्रिज्या, इन रेडियस, बाह्य त्रिज्या, सर्कम रेडियस। क्लियर हो गई बातें। अच्छा, ये क्या होता है, स्मॉल आर इज इक्वल टू ए अपॉन टू रूट थ्री होता है। क्या होता है, ए अपॉन टू रूट थ्री। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, और अगर जो ये समबाहु त्रिभुज ना हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। कुछ अजीब सा लग रहा हो सर, ये डेल्टा कहाँ से आ गया, डेल्टा होता है भाई मेरे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हीरोन्स फार्मूला से निकलता है, तो अभी आप मत जानिए, जब इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे तब कर लेंगे, ठीक है ना। अभी समबाहु त्रिभुज चल रहा है तो समबाहु त्रिभुज पे करिए। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, क्या कह रहा है, सर्कम रेडियस मतलब किसकी बात कर रहा है, कैपिटल आर, कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई समस्या किसी के पास नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, देन द इन रेडियस मतलब स्मॉल आर, काम खत्म। तो स्मॉल आर के लिए क्या पता होना चाहिए सर, ए पता होना चाहिए, ए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ये बताते हैं, ध्यान से देखिए, कैपिटल आर 10 इज इक्वल टू ए अपॉन रूट थ्री, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रूट थ्री, सही है भाई, एकदम सही है। अब आ जाइए, हमको क्या चाहिए, इन रेडियस मतलब स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, वो कितनी होगी, ए अपॉन टू रूट थ्री। ए, ए की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ भाई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रूट थ्री। तो 10 रूट थ्री अपॉन में व्हाट, 2 रूट थ्री, रूट थ्री कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 5 = 10, 5 सेंटीमीटर। बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत हुआ, आई थिंक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा, इन रेडियस बड़े आसानी से आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्कम रेडियस पूछता तो वो तो दिया ही हुआ है। अच्छा, अगर जो यहाँ पे आपसे मीडियन पूछ लेता, ठीक है ना, मीडियन कैसे पूछता, कि जिसकी सारी लेंथ इक्वल होती, ठीक है ना, ऐसा कुछ, तो आप क्या निकालते,
इसकी लेंथ मान लीजिए क्या होता है h, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाता है रूट थ्री अपॉन में टू इंटू ए, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। मीडियन क्या हो जाता है रूट थ्री अपॉन टू इंटू ए, ठीक है ना, ये सब लेंथ इक्वल होती, ठीक है ना, तब ये लग पाता। खैर यहाँ पे तो ये पूछा नहीं तो इसकी बात हम लोग करेंगे नहीं। तो इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई बता दीजिए, 5 सेंटीमीटर। क्लियर, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है आपको। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इस पे। हेलो एवरीवन, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगन, रिदम टूट जाता है ना, मतलब क्वेश्चन लिखा उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाने दोबारा आ रहा हूँ तो हेलो एवरीवन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, क्या कह रहा है द नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगन, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, पॉलीगन पे क्वेश्चन है ना। तो एक हम लोगों ने किस पे कर लिया, ट्रायंगल पे कर लिया, एक पॉलीगन पे, और सर्कल के हम लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट देखा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया। अगले वीडियो में हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का क्वेश्चन करेंगे, एक पॉलीगन का क्वेश्चन करेंगे, फिर सर्कल का क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ हम लोग कुछ और शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब कुछ और में क्या, आई थिंक क्वाड्रिलेटरल ही कोई शुरू करूंगा, रॉम्बस वगैरह के बारे में कुछ आपको बातें बताऊंगा। बहरहाल क्वेश्चन मैं हर एक फिगर का रोज कराऊंगा, क्यों कराऊंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड हमें बातें आपको एक्सप्लेन करनी है ताकि आप तक मतलब कह सकते हैं एक रिवीजन अच्छे से होता रहे, ठीक है ना। चलिए फिर आ जाइए, दो बातें मैंने आपको पॉलीगन से रिलेटेड तीन बातें बताई थी। एक बताया था क्या, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल का सम जो होता है 180 होता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑलवेज क्या होता है एन माइनस टू वन टू 180 होता है, क्लियर हो गया। तीसरा मैंने क्या बताया था, अच्छा एन क्या है, एन है आपका क्या, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन, ठीक है। अच्छा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 360 अपॉन में एन, इतनी बातें मैंने बताया था, ठीक है। थ्री एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 अपॉन में एन होता है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ डायगनल्स, नंबर ऑफ डायगनल्स इन ए पॉलीगन कितना होता है, नंबर ऑफ डायगनल एन एन माइनस थ्री अपॉन टू, ठीक है ना। अगर जो लग रहा है कि सर कुछ दिक्कत है गलत है तो आ जाओ भाई, ये क्या है रेक्टेंगल पॉलीगन है क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है मोर देन थ्री साइड्स है। अब मैं इसमें डायगनल कहूँ तो कितना होता है, दो होता है, चेक करना है चेक कर लो, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 माइनस थ्री अपॉन में 2 2 2 4 4 माइनस थ्री 1, मतलब कितना आ गया 2, मतलब सही है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नंबर ऑफ डायगनल्स आपसे पूछ लिया जाता है इन ए पॉलीगन, तो आप सिंपल क्या बताएंगे एन एन माइनस थ्री अपॉन में 2 और इंटीरियर एक्सटीरियर, बस यही चार पॉइंट हैं ये आपके। अच्छा ये सब किसकी बात हो रही है, रेगुलर पॉलीगन। देख लीजिए मैंने कहा ना आपसे कि रेगुलर ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, रेगुलर का मतलब क्या होता है कि उनकी साइड्स क्या हैं इक्वल हैं, ठीक है ना। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई, समबाहुभुज जिसको बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ है उस पर फोकस करते हैं, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन आर इन रेशियो, मतलब दो पॉलीगन हैं, एक मान लेते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स उसमें कितनी है एन वन है जो पहला पॉलीगन है, और दूसरे में कितनी है एन टू है, यहाँ तक किसी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो एन वन बाई एन टू का रेशियो सिंपल कितना दिया हुआ है 5/4, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा, डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स, ध्यान से समझना, इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है 6 डिग्री है, कितना है 6 डिग्री है, मतलब 6 अंश है। अच्छा आपसे क्या पूछा है, देन नंबर ऑफ साइड्स आर, मतलब एन वन की वैल्यू पूछ रहा है सिंपल, और एन वन और एन टू की वैल्यू आपसे क्या पूछ रहा है। अब बात आती है सर कैसे निकालने, तो देखो भाई यहाँ पे आपको देख रहा होगा इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इंटीरियर एंगल का डिफरेंस, और हमको यहाँ क्या पता होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता होता है। अच्छा यहाँ पे अगर जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल एन माइनस टू इंटू 180 है, तो और अगर जो टोटल कितनी साइड्स हैं एन साइड्स हैं, तो एन साइड्स का
जो सम है, मतलब पूरा n का जो सम है पूरा, उसका इंटीरियर है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है, n माइनस 2 इंटू 180। अब मैं पूछूं कि ईच इंटीरियर एंगल, जैसे यहाँ पे आपको पता होता है ये ईच एक्सटीरियर एंगल आपको पता होता है, तो साइड्स कितनी थी, n थी, तो n से डिवाइड कर दिया। यहाँ से मैं आपसे पूछूं इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, तो आप क्या कहोगे, अपॉन में एन कर दीजिए सर। बात आ रही है समझ में, यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल होता तो कितना हो जाता, हो जाता है 360 अपॉन में एन हो जाता है। यहाँ पे आपसे पूछूं ईच इंटीरियर एंगल, तो एन साइड है तो सिंपल हो जाएगा, एन से डिवाइड कर दीजिए। अब ध्यान से समझो, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, वो कितना है, 6 डिग्री है। अच्छी बात है। तो पहले के अगर जो मैं बात करूँ, पहले के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, एन वन कैपिटल स्मॉल जो भी मानना मान लीजिए, एन वन माइनस 2 180 अपॉन एन वन। बात आई समझ में, पहले का और दूसरे का, दूसरे का कितना हो जाएगा, डिफरेंस है तो यहाँ माइनस लगा दिया, और कितना हो जाएगा भाई, एन टू है तो एन टू माइनस 2 अपॉन एन टू इन टू 180 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 6। यहाँ तक मामला क्लियर होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे गलती से अगर जो सम लिख देता तब तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो कहा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू, क्या बोलता है, फिर से मैं बोलता रहा हूँ, अगर जो बोलता सम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इन डिफरेंस ऑफ 6 डिग्री, मतलब दो जो रेगुलर पॉलीगन है उनके जो सम है इंटीरियर एंगल, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 डिग्री, तो ये चीज़ नहीं आती क्योंकि सम तो इतना ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देयर डिफरेंस मतलब ईच, मतलब एक एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 डिग्री है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, सिंपल है, इससे 6 के पूरा कट कर दीजिए, अब सॉल्व भी करना है, इसको एन वन को इसको अलग अलग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 एन वन, ठीक है, एन वन यहाँ भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ कितना 6 से कट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो गया, माइनस सेम कहानी यहाँ भी, एन माइनस 2 अपॉन एन 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी कहानी वही होगी, 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 6 से मैंने पूरा कट कर दिया इसको इसको इसको, ठीक है, और एन 1 को अलग भेज दिया और एन 2 को अलग भेज दिया। अब क्या करते हैं, इस 30 को उधर भेज दीजिए और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 अपॉन एन वन, ओके, और यहाँ माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 2 अपॉन एन टू, और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 30। मामला क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, तो ये 1 1 भी कट गया, ठीक है। अब सिंपल कितना बचा, अब बचा ये, लिख दे रहा हूँ मैं, -2 अपॉन एन वन, आ जाइए जल्दी से, -2 अपॉन एन वन और +2 अपॉन एन टू इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। क्लियर है। अच्छा, हमें क्या पता है, n1 बाई n2 पता है, तो एक काम करें पूरे में n2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो जब n2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा बाहर, और ये क्या हो जाएगा, n2 बाई n1, क्या हो जाएगा, n2 अपॉन में n1, और प्लस में n2 से जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, n2 n2 कट जाएगा, सिंपल हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू n2 अपॉन में 30। क्लियर है यहाँ तक, बताओ भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n2 बाई n1 की वैल्यू कितनी है, 5/4, सॉल्व ही करना है, कुछ है नहीं, 5/4, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, ध्यान दीजिएगा, n1 बाई n2 5/4 है, हमको क्या चाहिए, n2 बाई n1, तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्लियर। और प्लस में 2 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n2 अपॉन में 30। बस सॉल्व करना चाहे जैसे आप करिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हाँ ये देखिए, 5 दुना 10, ठीक है, और 10 माइनस 4 टू 8, तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 2 अपॉन में 5 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू n2 अपॉन में 30। क्लियर, 5 से कट कर दीजिए, 6, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12, n2 की वैल्यू आ गई 12, मतलब क्या कह रहा है, ईच देन नंबर ऑफ साइड्स, तो n2 यहाँ तो आ गया आपका क्या, सिंपल 12, लेकिन n1 हमें चाहिए, तो n1 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं उठा के पुट कर दो भाई, यहाँ उठा के पुट कर दीजिए, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी n1 अपॉन में n2, n2 कितना है,
12 और 5 अपॉन में 4, तो 4 थ्री जा 12 और 5 3 15, मतलब n1 की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो क्या पूछा था, देन नंबर ऑफ साइड्स आर, तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई 15, 12। क्लियर हो गया, 15 यहाँ से आ गया और 12 यहाँ से आ गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, इंटीरियर एक्सटीरियर 180 होता है, ध्यान से समझिए, अगर सम आ रहा है, सिंपल सी बात है, अगर सम आ रहा है तो n माइनस टू लगाइए, और अगर जो पूछ रहा है कि नहीं केवल उनका इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा n माइनस टू, यहाँ ईच कहे या ना कहे समझ जाइए, इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा n माइनस टू 180 अपॉन n, ठीक है। उसी तरह एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन n होता है, यहाँ भी ईच होता है, और नंबर ऑफ डायगनल कितना होता है ये होता, मैंने वेरीफाई करा दिया, सिंपल था, उसके बाद कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सॉल्व करने का था। कैसा लगा वीडियो, आवाज़ एकदम जा चुकी है, ठीक है ना, सुबह उठ के अभी तक समझ लीजिए पानी भी ढंग से नहीं पिया हूँ, बस ब्रश किया, उसके बाद थोड़ा सा क्या कहते हैं चाय वगैरह पिया, पानी भी नहीं पी पाया जल्दी से, तो उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्यों, क्योंकि वीडियो कल मैं बना नहीं पाया था, सोचा आज जल्दी बना दे ताकि अपलोड कर दें। बाकी कैसा लगा बताइएगा जरूर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।